स्वागत है आप सभी को ज्ञापन एकेडमी के इस नए वीडियो में। और आज का जो टॉपिक है वो है रिडॉक्स रिएक्शन। क्या है रिडॉक्स रिएक्शन, जिससे हर साल मैट्रिक के एनुअल एग्जाम में 2-3 प्रश्न इसी से पूछे जाते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन हम उस रिएक्शन को कहते हैं जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों घटनाएं देखने को मिलती है। यानी अपचयन और उपचयन दोनों घटनाएं जब एक साथ देखने को मिलती है ना, तो उसका हम नामकरण करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहां रिडॉक्स अभिक्रिया के सबसे पहले पॉइंट को समझेंगे कि क्या है ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण की वह घटना जिसमें किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का निकलना या फिर इलेक्ट्रॉन का निकलना, हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब बात करते हैं कि क्या है अवकरण। तो अवकरण में ऑक्सीजन का निकलना, ठीक है, और हाइड्रोजन का जुड़ना और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या कहलाता है, अवकरण कहलाता है। यहां हमने ऑलरेडी लिख भी रखा है, जिसे आप वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं। अब हम लोग इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर वन है कि जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो यहां हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आकर जुड़ रहा है। तो हम यहां पहले ही बता दिए हैं कि जब ऑक्सीकरण की घटना होती है ना, तो ऑक्सीजन का जुड़ना समझा जाता है या फिर हाइड्रोजन का निकलना या फिर इलेक्ट्रॉन का निकलना। तो यहाँ क्या हो रहा है, जब किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना, तो हम तुरंत नाम रखेंगे ऑक्सीकरण। लेकिन जब किसी तत्व से ऑक्सीजन का निकलना, तो हम कहेंगे अवकरण। क्लियर। अब यहाँ हम सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है कि यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो बना रहा है कॉपर और हाइड्रोजन का ऑक्साइड। अब देखिए यहाँ ध्यान से कि कॉपर ऑक्साइड यहाँ पर अकेला कॉपर बन जा रहा है और इस हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आकर जुड़ रहा है। अब देखिए जब किसी तत्व से ऑक्सीजन बाहर निकल गया, तो हम कहेंगे कि अवकरण हो गया। लेकिन जब किसी तत्व के साथ अगर ऑक्सीजन आकर के जुड़े, तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हुआ, यानी कि ऑक्सीजन वाला बन गया। अब बात करते हैं तीसरा नंबर एग्जाम्पल का, ठीक है। जब कोई तत्व, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को निकाले, यानी अपने में से इलेक्ट्रॉन को निकाले यानी लॉस करें, तो हम कहेंगे कि यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, यानी सोडियम का ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। लेकिन हमने तो ये भी समझा है इसका अपोजिट, कि जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करें यानी इलेक्ट्रॉन को जोड़े अपने में, तो हम कहेंगे कि अवकरण हुआ। अर्थात हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का ग्रहण यहां पर क्लोरीन क्या हो गया, अवकरण। आई होप कि आपको इस वीडियो से ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों मिलाकर रिडॉक्स अभिक्रिया बढ़िया से समझ में आ गया होगा। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि हर साल इसी से 2-3-4 सवाल आपको मैट्रिक के एनुअल एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।